अस्सलाम वालेकुम वियर एंड लिसनर्स, कैसे हैं आप। अच्छा, अभी हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड ये फैक्टर बिहाइंड द चेंज, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो चेंज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, कोई भी जब चेंज आता है या कोई भी आप कह लें फैक्टर जो है अपना रोल प्ले करता है, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो सोसाइटी जिसने उस चेंज को अडॉप्ट करना है तो उसको कैसे करना है। जैसे लाइक देखें, इंटरनेशनली अगर एडवांसमेंट हुई कम्युनिकेशन में या टेक्नोलॉजी में, तो अब इट डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री, या वैरी करता है कंट्री टू कंट्री कि वो उसको किस तरह से लेते हैं। अब पाकिस्तानीज जो हैं उसको अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करेंगे। सो मैटर करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें आप किस तरह से उसको फॉलो जो है वो कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें तो जो न्यू अदर फैक्टर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसमें वो बात करते हैं कि जैसे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं अपना कंपैरिजन करती हैं डेवलप कंट्रीज के साथ, सो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाती है। जब वो कंपैरिजन करती हैं अपने लाइफ स्टैंडर्ड का, या आप कहने अपने पॉलिटिकल सिस्टम का, या इकोनॉमिक नीड का, या स्ट्रक्चर का, तो वो डिमांड करती है और वो डिमांडिंग हो जाती हैं सिस्टम के साथ कि हमारी हम सेटिस्फाई नहीं। और जब आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप फिर चेंज की बात करते हैं, आप फिर तब्दीली की बात करते हैं। फिर इसके अलावा आप देखें, एक एक्सटर्नल फैक्टर भी कहीं ना कहीं मौजूद होता है, स्पेशली अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनसे अगर इसको रिलेट करें, तो हमेशा से जो मेजर या बिग पावर्स हैं वो चेंज अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर लेकर आती हैं। जैसे पॉलिटिकल आप कहने पॉलिसीज़ के थ्रू, या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू आप एड देकर, लोन देकर उन कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करती हैं, और आप बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो चेंज का जो फैक्टर है उसमें बड़ा रोल प्ले करेंगे। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। देखिए, हमारी बेसिक नीड्स जैसे हमारी एजुकेशन होगी, शेल्टर हो गया, फूड हो गया, या सिक्योरिटी ऑफ लाइफ होगी। आपकी जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जाहिर ही बात है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये गवर्नमेंट जो है उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो उन बेसिक नीड्स को पूरी करे। जब वो आपकी नीड पूरी नहीं करता आपका पॉलिटिकल सिस्टम या स्ट्रक्चर, तो आप फिर कहते हैं कि जी चेंज आएगी, आप चेंज की जो है वो बात करते हैं। फिर उसके बाद आप कह लें वो एक अदर जो चेंज ही बात करते हैं, वो कहते हैं जी कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें भी चेंज आता है, या इंसानी जो ब्रेन है या साइकोलॉजी है वो भी चेंज ही बात करती है। हम एक तरह का खाना नहीं खा सकते, एक तरह से ड्रेसअप नहीं हो सकते, एक तरह का लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते, तो हमारी साइकी में भी कहीं ना कहीं जो है वो चेंज है, तो इसलिए हम चेंज जो है उसकी बात करते हैं। और फिर देखिए, जैसे ही ग्लोबलाइज्ड हुई है वर्ल्ड, तो हम इंटरलिंक्ड हो गए हैं, और इंटरनेशनली जो भी चीज़ें चेंज होती है, कोई पॉलिसी चेंज होती है, कोई इकोनॉमिक चेंज आता है, उस पर उसका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं, या हम उसको जो है फॉलो जो है वो कर रहे होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर जो चेंज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।